Smart Sound. नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट 24, आईना सच का। मैं आपके साथ एनी वर्मा। आइए रूबरू कर बातें हैं देश की कुछ खास खबरों से। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश टीईटी परीक्षा के फर्जी पेपर बेचने वाला हुआ गिरफ्तार। जी हां, यूपी टेट की परीक्षा से पहले एक युवक ने फर्जी अंक पत्रों का पेपर तैयार कराकर परीक्षार्थियों को 1-1 लाख रुपए में बेच डाला। एसटीएस व लोकल पुलिस की मदद से आरोपी राकेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। जी हां, आपको बता दें, यूपी टीईटी की परीक्षा की द्वितीय पाली में जूनियर टेट परीक्षा के दौरान मुरादाबाद का रहने वाला राकेश परीक्षार्थियों को फर्जी पेपर बनाकर 1-1 लाख रुपए में बेचने का काम कर रहा था। इसी दौरान एसटीएफ व लोकल पुलिस ने राकेश को रंगे हाथों गिरफ्तार कर बिजनौर शेरकोट इलाके में गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से 2 मोबाइल, 1 लाख रुपए व कई फर्जी पेपर भी बरामद किए गए हैं। शेरकोट थाना क्षेत्र में एसटीएफ ने एक सॉल्वर गैंग के सदस्य को पकड़ा है। क्या पूरा मामला है? एसटीएफ उत्तर प्रदेश के द्वारा शेरकोट थाना क्षेत्र में राकेश कुमार सनफ अमर सिंह मूल निवासी ठाकुर द्वारा पकड़ा गया है, जिनके पास से 1 लाख रुपए नगद और 100 के करीब मोबाइल मिले हैं। तो एसटीएफ के द्वारा 18 अपराध 420 467 470 के अंतर्गत पंजीकृत की गई है, विवेचना जारी। Smart Sound.